नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। मैनपुरी के बेवर में बरखंडी महाराज के मंदिर पर भक्तों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम बरखंडी महाराज के मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में पिछले साल से मनाया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता अर्पित दीक्षित की रिपोर्ट। बेवर नगर के इटावा रोड स्थित बरखंडी महाराज के मंदिर पर भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा बरखंडी महाराज की मूर्ति स्थापना के द्वितीय वर्ष के उपलक्ष्य में गत वर्ष की भांति भक्तों ने इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ किया। बताते चलें, यह कार्यक्रम भक्तों द्वारा बिना किसी जात पात के बड़े धूमधाम से किया जाता है और हर जात और हर धर्म के लोग श्रद्धा के साथ सहयोग करते हैं और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह कार्यक्रम सभी भक्तों के द्वारा किया जाता है, जिनमें अशोक दुबे, दीपू तिवारी, रमन दीक्षित, रविकांत तिवारी, राघवेंद्र सिंह, शुभम दीक्षित, अजीत सोनू सहित आदि लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार दुबे। जी आप इस समय कहाँ पे हैं? इसमें जिला मैनपुरी के एक स्थान है बेवन में, बनखंडी आश्रम, वहाँ पे खड़े हुए हैं। जी यहाँ पे किस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है? ये हर यहाँ पे ब्रह्मदेव की स्थापना आज से एक साल पहले हुई थी, उन्हीं के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में आज ये हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। जी। और पूरा ये आश्रम जो है हमारे भक्त लोगों के द्वारा सजाया गया है और पूरा क्या नाम जितना भी जन समुदाय आ सकता है, भोजन भंडारा बराबर चल रहा है और बाहर के लोग भी आकर के यहाँ पर अपना भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जी ये आयोजन कितने समय से चल रहा है? ये 2 साल से चल रहा है। जी ये किसके द्वारा कराया जा रहा है? समिति बनाई गई है जिसमें दीपू तिवारी, संदीप दीक्षित और भी कई भक्तगण हैं जिनके सहयोग से ये पूरा भंडारा चल रहा है। जी